आज मैं आपके लिए सफेद रसगुल्ले की हलवाई रेसिपी लेकर आया हूँ। सफेद रसगुल्ला दूध से छेना निकाल कर बनाया जाता है। सफेद रसगुल्ला खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यह बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आता है। इसको ठंडा करके खाया जाता है। आज की वीडियो देखने के बाद आप आसानी से सफेद रसगुल्ला घर पर ही बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। सफेद रसगुल्लों के लिए पहले इन्होंने चाशनी बना ली है। यहाँ पर इन्होंने 60 kg चीनी की चाशनी बनाई है। अगर आपको चाशनी बनानी नहीं आती तो हमारी बहुत सी चाशनी की वीडियो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। चाशनी के लिए 60 kg चीनी में इन्होंने 70 kg पानी को डाल के उबाल आने तक पकाया है। जब उबाल आ जाए उसमें आप 1 ग्राम रंग काट लगा दे, इससे इसकी चाशनी की गंदगी साफ हो जाएगी और बिल्कुल क्लियर चाशनी हमें प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर चाशनी हमारी बनकर तैयार हुई है। सफ़ेद रसगुल्ले के लिए पतली चाशनी चाहिए होती है। इसको इस तरह से 3 बर्तनों में निकाल रहे हैं। सफ़ेद रसगुल्ले को चाशनी में ही पकाते हैं। जिस चाशनी में इसको पकाया जाएगा वो थोड़ी गाढ़ी चाशनी होती है और पकने के बाद एक दूसरी चाशनी में इसको निकाल देते हैं। फिर इसको तीसरी चाशनी में जो पतले वाली होती है उसमें इसको ट्रांसफ़र करके स्टोर किया जाता है। 60 kg सफ़ेद रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पर 12.5 kg छेना लिया गया है। छेने को दूध को फाड़ के बनाया जाता है। ये 60 से 70 kg दूध से बनकर तैयार हो जाता है। इसको हम इस तरह से तोल के लेंगे। अगर आपको छेना तैयार करना नहीं आता तो हमारी छेना बनाने की एक और वीडियो है, इसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप रसगुल्ला पकाने के लिए चाशनी को इस तरह से कढ़ाई में डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो ये थोड़ी ठीक हो जाएंगी, जब तक हमारा रसगुल्ले के लिए छेना तैयार हो जाएगा। पहले छेने को मसलकर इस तरह से अच्छे से मिक्स कर ले। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाना चाहिए छेना। इसको 5 मिनट तक इसी तरह से मैश करेंगे पहले। अब इन्होंने 1 ग्राम बेकिंग सोडा लिया है, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इसको बस इतना ही लगाए, ज़्यादा न लगाए, नहीं तो रसगुल्ले फटने लगेंगे। अब इन्होंने 200 ग्राम बेकिंग पाउडर का यूज किया है। यह इस तरह से 100 ग्राम की पैकिंग व डब्बी में आता है। आपको 2 डब्बी यूज करनी है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। बेकिंग पाउडर का काम रसगुल्ले को अंदर से खोलना होता है, जाली बनाता है ये अंदर, जिसमें चाशनी एब्जॉर्ब होती है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इस तरह से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक्टिव हो जाएगा और इसको अच्छे से मसलकर मिक्स करेंगे छेना के अंदर। इस तरह से मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए छेने के अंदर। इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से हम हाथों को चलाते हुए मिक्स करेंगे, हथेलियों की मदद से मिक्स करना है। अब इसमें इन्होंने 2.5 kg आरारोट को मिक्स किया है। आरारोट की मात्रा छेने की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करती है। आरारोट की मात्रा को थोड़ा घटा या बढ़ा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अब सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए अच्छे से गूंथ लेंगे। बिल्कुल चिकना होने तक इसको गूंथना है, तभी रसगुल्ले अच्छे और परफेक्ट शेप में बनेंगे। मिक्स करते रहेंगे। आरारोट छेना में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। छेने को मिक्स करते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब छेना बाइंड होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं।
इसको 5 मिनट और गूथने के बाद ये इस तरह का हो चुका है, अब तैयार हो चुका है। जब हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से राउंड करें तो आसानी से हो जाना चाहिए, इसमें क्रैक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब हमारा छेना तैयार है, इससे हम रसगुल्ले बना लेते हैं। पहले इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे हम। इधर हमारी चाशनी भी तैयार है रसगुल्ले बनाने के लिए, अब हम बॉल्स बना लेते हैं रसगुल्लों की। छेने का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे और इनको हथेलियों की मदद से इस तरह से गोल करते चले जाएंगे। इनकी ज़्यादा बड़ी बॉल्स नहीं बनानी है, क्योंकि जब हम इनको चाशनी में पकाएंगे तो ये अपने साइज की डबल हो जाएंगी। इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स हमको बनानी है। पहले एक बार सभी बॉल्स को हम तैयार कर लेते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। अब रसगुल्लों की थोड़ी बॉल्स तैयार हो चुकी है, पहले हम इनको एक बार चेक कर लेंगे चाशनी में डालकर। चाशनी में पहले ही थोड़ा सा रीठे का पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से ये झाग बनी हुई है। आप थोड़े से रीठे ले लें, उनको पानी में भिगोकर रख दें गर्म पानी में, उसके बाद ये अपने आप घुल जाते हैं। इनको थोड़ा मैश कर लेते हैं और उसका पानी झाग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा पकने के बाद थोड़ी चाशनी डालते हुए इस तरह से हिलाते हुए रसगुल्लों को चेक कर ले कितने फूले हैं, अच्छे से फूले हैं या नहीं। अगर रसगुल्ले अच्छे से फूलते हैं तो फिर हम बाकी के रसगुल्ले तैयार कर लेंगे। अगर थोड़ा कम फुलावट हो रही है तो उसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर और सोडा थोड़ा थोड़ा सा और ऐड कर ले। हमारे रसगुल्ले बिल्कुल अच्छी तरह से बन फूल रहे हैं, अभी और पकने देते हैं। जब तक ये पकता नहीं है इसी तरह से पकने देते हैं, जब तक ये घानी पकती है दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते जाएंगे और इनको हथेलियों की मदद से गोल करते रहेंगे इस तरह से। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चाशनी हम डालते रहेंगे। रसगुल्ला जब पक जाता है उसको चेक करने के लिए भी एक ट्रिक यूज करते हैं हलवाई, उसको भी हम बताएंगे। इनको बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहेंगे, इससे रसगुल्ला अच्छे से पकेगा। जब हमें चेक करना हो कि रसगुल्ला पका है या नहीं, इस तरह से उठाकर उसको चेक करेंगे। रसगुल्ला आधा चाशनी में डूब जाना चाहिए, जब आधा डूब जाता है तो रसगुल्ला पक जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि रसगुल्ला आधा चाशनी में डूब चुका है, तो हमारा रसगुल्ला तैयार हो चुका है। अब ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स कर देंगे चाशनी में, इससे रसगुल्ले हमारे चाशनी में पूरी तरह से डूब जाएंगे और रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं, अब इनको निकाल कर हम चाशनी के अंदर डाल देंगे इस तरह से। आप चाशनी के अंदर जो ये काले काले बीज देख रहे हैं, इनको देखकर आप कंफ्यूज न हो, ये रीठे के बीज हैं, जो रीठे के पानी से निकले थे वो इनके अंदर डाल दिए हैं इन्होंने। इसका कोई काम नहीं होता, बस वैसे ही डाल दिए हैं। ये ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अब दूसरी घानी को भी हम इसी तरह से चाशनी के अंदर डालकर पका लेंगे। अगर झाग कम हो जाए तो थोड़ा सा रीठे का पानी और डाल सकते हैं, प्रोसेस यही रहेगा। इसको इसी तरह से थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते रहें इस तरह से और इनको हिलाते रहें, इससे रसगुल्ला अच्छे से पकेगा। इस तरह से हिलाते रहे, अभी और पकने देते हैं इसको थोड़ा सा, बाद में चेक करेंगे। चाशनी डालते रहें थोड़ी थोड़ी। अब रसगुल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब बाकी के बचे हुए रसगुल्लों को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इनको चाशनी में डालते जाएंगे।
आप भी इस रेसिपी से रसगुल्ले बनाकर घर पर जरूर खाएं। हमने साथ के साथ 1 केजी रसगुल्ले के लिए जो भी सामग्री चाहिए उसकी लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। आपके रसगुल्ले कैसे बने हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, घंटी का बटन दबा दें, इससे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।